आज अक्सरियत मदरसे से, अक्सर आलम दीन फरागत के बाद जब दुनिया की दहलीज पे कदम रखते हैं जो पहला सवाल अपने आप से पूछते हैं वो ये है कि अब मेरा क्या। और 12वीं पास होने के बाद जब एक बच्चा स्कूल से निकल के दुनिया की दहलीज पे कदम रखता है तो उसे वजू और गुस्ल के फराइज नहीं पता होते हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है मेरे भाइयों? क्यों नहीं हमने ऐसे मदारिस बनाए जहां हमारे बच्चे जाके पढ़ सकते हैं? क्यों नहीं ऐसे स्कूल बनाए हमने? हमने इल्म को बांटा तो हमारा आज ये हाल है। जब हमने इल्म को नहीं बांटा था तो अल ज़हरवी ने किताब अल तसरीफ जैसी किताब लिखी जिसमें 200 से ज्यादा सर्जिकल टूल्स के बारे में मेंशन है। जब हमने इल्म को नहीं बांटा तो दुनिया की पहली डिग्री कॉलेज बनाई गई वो मुसलमान ने बनाई, फातिमा अल फिहरी ने अलवियीन यूनिवर्सिटी बनाई। जब हमने इल्म को नहीं बांटा तो हमने एल्गोरिथम का इजाद किया, हमने अलजेब्रा का इजाद किया, हमने हवाई जहाज का इजाद किया। और जब हमने इल्म को बांट दिया तो आज हम इस दहलीज पे खड़े हैं कि हमें सेमिनार करके कहना पड़ रहा है कि तालीमी इनकलाब लाना जरूरी है आज, क्योंकि हमने इल्म को, हमने तालीम को बांट दिया, हमने तालीम को बांट